क्या मान लेते हैं इसको मीडियम वन और इसको मान लेते हैं मीडियम टू, मीडियम टू। अच्छा यहां से कोई लाइट रे इंटर करी, इस मीडियम पे आई, टकराई, टकराने के बाद मैंने क्या बोला, वेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस, वेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो ये लाइन क्या कहलाई, ये इंसिडेंट रे, क्या है ये, वेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन सरफेस थ्रोज। ये पार्शियली भी फेंक सकता है और फुल्ली भी फेंक सकता है। अगर हालांकि 100% कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता नहीं हमारे पास, हमारे पास 100% से कम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मैंने बोला वेन सरफेस थ्रोज पार्शियली और फुल्ली, पार्शियली और फुल्ली इंसिडेंट रे इनटू द सेम मीडियम, इंसिडेंट रे इनटू द सेम मीडियम। तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे, करते थे कि नहीं करते थे, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक चीज और बोली गई कि भैया ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने बता दिया, मैंने बोला था ये इंसिडेंट एंगल थीटा आई और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो मैंने बोला ये नॉर्मल, ये क्या है, ये नॉर्मल। मैंने आपसे बोला कि अगर कोई रे आती है सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी दूसरी डेफिनेशन दी गई और करके लिखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या लिखें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल। मैंने पिछले टाइम पे बताया था कि एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैंने बोला इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज एग्जैक्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया, लॉ ऑफ, एग्जैक्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, व्हेन इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल व्हिच इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखे एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, विद द नॉर्मल विच इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, विच इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। इसको लिख लूंगे थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा आई इज व्हाट इज, थीटा आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड थीटा आर इज, लिख लो फटाफट, थीटा आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लिख लिया। अच्छा एक चीज और, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं बेटा प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो हमारे पास सरफेस कई तरीके की हो सकते हो, प्लेन मिरर भी हो सकता है और स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, पर प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की चर्चा बाद में करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको लिख लिया क्या आपने, सबने लिख लिया। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है, मैंने आपसे बोला कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब समझते हो आप, परपेंडिकुलर, क्या हो, परपेंडिकुलर। मतलब अगर मान लो ये सरफेस बोला, ये सरफेस बोला दिस इज प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर, और मैंने कहा ये रे ऐसे आ गई नॉर्मल के साथ ही, तो क्या ये नॉर्मल के साथ वापस चली जाएगी, चली जाएगी नहीं चली जाएगी, क्या मेरी बात समझ, ये 90 डिग्री है, 0 डिग्री, नहीं ये 0 डिग्री, क्या है ये 90 का मतलब क्या हुआ, रे कैसी आ रही है, ऐसे पैरेलल टू द सरफेस, कैसी आ रही है, पैरेलल टू द सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आई, पक्का बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या 0 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपको समझना है, क्योंकि हमने जो भी रे बनाई थी वो ये वाला एंगल था, कहां से, नॉर्मल से ये, अगर इसको 0 कर देंगे तो ये रे किधर आ जाएगी, इधर, लेकिन अगर इसको 90 कर देंगे तो क्या पैरेलल टू द सरफेस आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अच्छा तो ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं,
ये 90 माइनस थीटा आई, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो कुछ एंगल बोलते होंगे ना। दिस एंगल इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड जी एल ए एन सी आई एन जी। लिखो, हेडिंग डाल लो ग्लैंसिंग एंगल। हेडिंग क्या डाल लो? ग्लैंसिंग एंगल, एन सी आई एन जी, ग्लैंसिंग एंगल। कभी कभी इसको ग्लांस एंगल भी बोलते हैं। लिखो जी एल ए एन सी आई एन जी, ग्लैंसिंग एंगल। लिखो, एंगल मेड बाई सरफेस टू द इंसिडेंट रे। एंगल मेड बाय सरफेस टू द इंसिडेंट रे, सरफेस टू द इंसिडेंट रे, एंगल मेड बाय सरफेस टू द इंसिडेंट रे, दैट इज नोन एज ग्लैंसिंग एंगल एंड वैल्यू इज वॉज 90 माइनस थीटा आई। 90 माइनस थीटा आई, ठीक है, लिख लिया सबने। एंगल मेड बाय सरफेस टू द इंसिडेंट रे दैट इज नोन एज ग्लैंसिंग एंगल एंड विच इज इक्वल टू 90 माइनस आई और थीटा आई, एक ही बात। 90 माइनस आई भी लिख सकते हो और 90 माइनस थीटा आई भी लिख सकते हो। अच्छा, वापस आ जाओ। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? मैंने बोला कि अगर ऐसा ऐसा ड्रॉप किया गया, रे को ऐसे डाला गया, मतलब बोल दिया कि रे को किसके साथ डाल दिया, नॉर्मल के साथ डाल दिया, तो क्या ये उसी उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी? इस एंगल में कोई भी डेविएशन नहीं होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द नॉर्मल। क्या बोल सकते हैं? व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द नॉर्मल देन रे रिफ्लेक्ट या रे फॉलो इट्स ओन पाथ। क्या टर्मिनोलॉजी समझ में आई? मतलब अगर रे को कैसे डाल दिया जाए, नॉर्मल के साथ डाल दिया जाए, तो क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इसी पाथ को फॉलो करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? पक्का ना? मेरी बात समझ में आई? पक्का, क्योंकि हमें पता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा आई जीरो से डाला गया तो थीटा आर भी क्या होगा? जीरो से डाला जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन इंसिडेंट रे, पहली प्रॉपर्टी, व्हेन इंसिडेंट रे इज फॉल पैरेलली टू द नॉर्मल, इज फॉल पैरेलल टू द नॉर्मल, पैरेलल टू द नॉर्मल, देन इट्स फॉलो, देन इट्स, बेटा फोन साइलेंट कर लो, दोबारा घंटी बजनी चाहिए क्लास में, बिल्कुल फोन की भी, किसी की भी फोन की घंटी दोबारा क्लास में नहीं बजनी चाहिए। इट्स फॉलो, इट्स फॉलो, क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे फॉल टू द नॉर्मल देन इट्स फॉलो इट्स ओन पाथ, देन इट्स फॉलो इट्स ओन पाथ। ओन पाथ का मतलब जिस रास्ते से आए थे, क्या वो उसी रास्ते से चली जाएगी? हाँ ना, बोलो। उस सिचुएशन में क्या रहा होगा? इंसिडेंट एंगल, इसे थीटा आई लिखो और इसे क्या लिखो बेटा? थीटा आर। ये एंगल का साइन है ना? थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर विच इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो डिग्री। कितना हो गया? क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, ये प्लेन की जगह कर्वेचर वाला होता मिरर ऐसा होता, ये वाला, ये स्फेरिकल मिरर जानते हैं हम लोग? भाई क्यों बज रहा है बार बार? स्विच ऑफ कर देना, नहीं बंद करना आता तेरे को तो? मोबाइल ले लिए, चलाना नहीं आता। पापा भी तुम्हारे बदमाश लग रहा है, उन्होंने तुमको मोबाइल दे दिया था, थप्पड़ मारना चाहिए तुमको दो और। किसने मोबाइल दिया तुमको? पापा ने कि मम्मी ने? देखा, मम्मियों का प्यार बेटों के साथ ही होता है ज्यादा।